नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों, मैं भी एकदम मस्त। मैं पवन जोशी गंगुली हाट दुबई आगर से। तो दोस्तों, आज मैं ब्लॉग की शुरुआत अभी सुबह के टाइम से कर रहा हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ दोस्तों पापा को पहुँचाने बराड़ी तक, क्योंकि आज पापा जा रहे हैं पिथौरागढ़। और अभी मैं पहुँचा दोस्तों हनुमान मंदिर और आदित्य मंदिर के वहाँ पे। और हनुमान मंदिर में पेंट हो गया दोस्तों पूरा, और टीन शेड भी बन गया यहाँ पे भराड़ टाइप का बैठने के लिए। बढ़िया हो गया, ये देखो पेंट वगैरह पीला पेंट हो गया। और जंगली मुर्गी भी आ रही है दोस्तों, वो देखो छोड़ा मुर्गी आ रहा है अचानक। तो आज तक की दवाई भी थी दोस्तों, आज दवाई भी ख़त्म हो गई हैं। और मैंने बोला एक बार चेकअप करा के लाओ, क्योंकि प्लेटें थोड़ा डाउन थी और हल्का सा न्यूमोनिया भी था। तो मैंने कहा एक बार सब टेस्ट करा लेना फिर से दोबारा वहीं पे डिस्ट्रिक्ट में। तो फिर कल मौसी से पता किया, मैंने कहा कोई कह रहा था वहाँ ना धर्म सत्तू सर है ना रजवार सर है। तो फिर मौसी ने पता किया तो वहाँ भी फिलहाल रजवार सर है। और अभी पापा तैयार हो गए और अभी हम पहुँच गए दोस्तों पन्यार के वहाँ पे, और पापा से मिलवाते हैं और पूछते हैं आज कल से कैसा फ़र्क है तबीयत में। और कमज़ोरी तो बहुत है दोस्तों, अब बैग भी मैंने पकड़ना हो रहा है, हाथ लगा लो अब क्या कहें। रुको ओ साहब जागो। तो कैसी है फिर पापा तबीयत? ठीक है, है? थोड़ा ठीक है। हाँ, एक बार सब टेस्ट करा लेना ठीक है, निमोनिया और उसका भी प्लेट वगैरह का भी। और एक्सरे भी कराओगे? रजवार सर क्या कहते हैं तो वहीं जाके पता चलेगा। काहे में जाओगे, बस में? जो मिल गई वैसे बस में जाने में फायदा हुआ फिर आराम से। तो जहाँ तक है पापा का विचार फिलहाल बस में ही है जाने का, अब फिर वहीं जाके पता चलेगा। कभी बस आती है कभी नहीं आती, कुछ पता भी नहीं हुआ ना बस का, कोई फिक्स नहीं हुआ। बस नहीं आएंगे तो फिर मैक्स में ही जाएंगे। तो आज मौसम भी कई तगड़ा वाला ठंडा हो रखा है दोस्तों, क्या कहें। धूप भी आने लग गई है, हमारे वहाँ तो 10:30-11 बजे से धूप, उससे पहले तो आती नहीं है, उसी के बाद आएगी 10:30-11 बजे के बाद। तो अब फटाफट निकलते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ पापा को पहुँचा के, और वहाँ पे जाते ही गाड़ी भी मिल गई थी स्कूल की, JBSG के बच्चे जाते उस गाड़ी में, तो उसी में पापा भी चले गए थे। अभी अब फटाफट मैं अभी घर को निकलना, थोड़ी देर नैकिन में गया, रुका नहीं क्योंकि वहाँ पे धूप आई होती तो बैठता पर धूप नहीं आई थी। मैंने कहा यहाँ पर भी अभी हमारे घर के जैसे हाल है, अच्छा घर में निकलो कुछ काम तो होगा। तो फटाफट मैं अभी घर में निकल रहा हूँ, मैं घर नहीं पहुँचा हूँ, पापा दसाईथल पहुँच गए हैं। अब लगा लो थोड़ा, मैंने कंडाचना में रुका, सामान वगैरह लिया फिर मैंने। अब फटाफट मिलते हैं दोस्तों घर में पहुँच के, तब तक वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं खोई खान मिट्टी लेने के लिए, और आज मेरा फिलहाल लिपाई पुताई का काम धीरे धीरे समाप्त तो हो गया है, थोड़ा सा और रह गया है लैट्रिन बाथरूम में, बस हो गया। समाप्त भी हो गया है, रह भी गया है, क्या मतलब हुआ ये? बस थोड़ा सा बचा है कि दीवार बची है, अब वो 10 मिनट का काम है, फिलहाल हो जाएगा वो। और अभी हम जा रहे हैं मिट्टी लेने के लिए खोई खान, और पापा भी पिथौरागढ़ पहुँच गए हैं। 2:30 बजे फोन आ गया था कि मैं पिथौरागढ़ में पहुँच गया हूँ, उससे पहले पहुँच जाते क्योंकि डूनी से पीछे 1.5 घंटा जाम में फंसा बोल रहे थे, वहाँ पे रोड में डामर पड़ रहा है इस कारण तब लेट हो गए थे। नहीं तो 12:30-1 बजे के आसपास बस पिथौरागढ़ पहुँच जाती है, 10-15 मिनट वो मटेला में खाने के लिए रुकते हैं, बस हो गया। तो कस चल रहा है दीपावली तैयारी? क्या चल रहा है भाई? जब यार मम्मी बहुत ज़्यादा दिखी रहा है, आम यहाँ मुड़ में चौ दे बहुत ज़्यादा दिखी रहा है यार, आज पटन नहीं दिखी रहे छपे दीपावली तैयारी बढ़िया चल रहा है त्यार है। अब इसके पकड़ो ना रूम में आले है न कर कस चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। कत हेरे पे बुद्ध है की बुद्ध हूँ त्यार चल ले उड़ मो पे होय कब उड़ मो अब मैं क्या जानू तब ले अंदाज किया ना थी 9-10 तारीख का बीच में ना 9-10 तारीख का बीच में। तो दोस्तों अब फटाफट निकलते हैं खोई खान को, क्योंकि उसके बाद मेरा विचार हो रहा है खेत में पानी डालने का। 1-2 दिन से खेत में पानी भी नहीं डाल रखा है यार दोस्तों, प्याज बो रखा है वो सूख जाएगा, नहीं तो वरना प्याज बोया होगा मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होगा।
पहुंच गया खोई खान पे। यहाँ पर निश्वास लग रही थी, मैं भी सोच रहा था कब से आऊँ और अभी मैं यहाँ पहुंच गया। मम्मी कह रही है मैं भी एक पुला गाय के लिए घास बनाती हूँ। मम्मी उस भीड़ में से गाय के लिए घास बना रही है और मैं जाता हूँ दोस्तों मिट्टी खोदने के लिए कुदाल और कट्टा लेके। फटाफट मठ खोलूँ छह ना झूड़ा मार ले क्या अंतान नहीं बा। परसों पहले भी ले गया था मैं एक बार बीच में, वहाँ पे शायद फिलहाल घास भी नहीं कटी है मेरे ख्याल से। वहाँ जी एक पुला पहले वहीं पे से बना घास। तो दोस्तों आप सीधे मिलते हैं आपको मिट्टी खोदने के बाद, तब तक वीडियो में बने रहिए। प्लीज जो चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोग देख सकते हो अभी मैंने 10 किलो के गोकुल भोग चक्की आटा मैं मिट्टी खोद के रख दी है, पर बहुत भारी हो रखी है, पकड़ना मुश्किल होगा, हाथों में सांस बाधी जाएंगे। और अभी मम्मी का भी एक पुला यहाँ पे घास का बन गया है देखो। ये बस ये जो यहाँ पे बगल में हरी घास दिख रही है, जो पहले जिस टाइम पे हम तिल सार रहे थे आपको याद होगी उस टाइम पे ये घास मैंने बीज डाल के घास बोई थी, अभी फिलहाल इतनी हो रखी है घास। अभी इसको भी काटेगी मम्मी, उसके बाद एक पुला यहाँ पे घास का बांधना है ये। तो दोस्तों अभी मैं मिट्टी लेके घर में पहुंच गया हूं और अब मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो फिलहाल पूरा हो गया आगे साइड का हिस्सा भी। अब थोड़ा सा ऐसा हो गया क्योंकि यहां पे मैंने मिट्टी और गोबर से गरिया रखा था, दीवार उधर गई थी, तो इस कारण यहां पे अभी हल्का सा सीलन है। और यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे भी मिट्टी और वो कर रखा है। और नीचे साइड तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ दोस्तों, नीचे साइड मैंने ऐसा बना रखा है ना, चार पाँच प्रकार के कलर हो जा रहे हैं उस पर, वो देखना अभी दिखाऊंगा मैं बैक कैमरा से आपको। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अलग ही कलर है एक ही रंग, पर कभी चट्टे रंग हो जा रहा था, कभी हल्का रंग हो जा रहा था, और यहाँ पे अलग है। अब नीचे तो उतना हो नहीं सका क्योंकि गाय के वहाँ पे है, गाय घिसती है तो अपना सिर वगैरह पीठ वगैरह। और यहाँ पे कल कमेट से उछेटा था, यहाँ पे कमेटी है कोई बात नहीं। और आगे साइड का हिस्सा पुराण कूड़ चमक गया हमारे चोया दगड़ियों। अब ये सामान टांचना है, फिर आंगन भी मम्मी लीप लेगी दीपावली के टाइम पे। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, नमस्कार, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में।